क्वेश्चन नंबर वन, ये आर्ट्स एक्वल टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस ए व्हेन डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर लीव द सेम रिमाइंडर। क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा कि जब इसको एक्स माइनस फोर से डिवाइड मार रहे हैं तो कुछ रिमाइंडर आया होगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर मान लें आर है, ठीक है। फिर जब इसको एक्स माइनस फोर से डिवाइड मार रहे हैं तो इसके से रिमाइंडर मान लो कुछ भी आया, ठीक है, मान लो कैपिटल आर है, ठीक है। तो दोनों केस में जब x माइनस फोर से डिवाइड मारते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है मेरा, दोनों सेम रिमाइंडर आता है, मतलब जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू क्या होगा इसका होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसको p ऑफ x बोलते हैं, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू कितना, ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। एंड इसको जी ऑफ एक्स बोल देते हैं, तो जी ऑफ एक्स कितना है, टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस ए, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही बोलो, ए है, ठीक है, ये ए। अब क्या करते हैं, एक्स माइनस फोर से डिवाइड मारते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइड बाय किससे, एक्स माइनस फोर, ठीक है। देन तो क्या होगा, जो पी ऑफ फोर का वैल्यू होगा क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जीरो से इक्वेट करेंगे, तो एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो होता है, डेट इज एक्स इक्वल्स टू फोर। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या करेंगे, फोर पुट करेंगे, देन पी ऑफ फोर, ठीक है, पी ऑफ फोर इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, ए एक्स क्यूब मतलब फोर का क्यूब प्लस थ्री मल्टीप्लाई फोर का स्क्वायर माइनस थ्री। तो ये कितना हो जाएगा, फोर का क्यूब कितना, 64, तो 64 ए, फोर का स्क्वायर कितना, 16, 16 थ्री जाए 48, ये 48 हो गया और ये माइनस थ्री। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 64 ए और ये प्लस 45, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचा वो कितना है, 64 ए प्लस 45। अब नाउ व्हेन क्या, जी ऑफ एक्स बोले थे ना, तो व्हेन जी ऑफ एक्स इज डिवाइड बाय क्या, एक्स माइनस फोर, जब जी ऑफ एक्स को एक्स माइनस फोर से डिवाइड मारेंगे तो देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा मेरा, जी फोर, जो जी फोर का वैल्यू होगा वो क्या होगा मेरा, रिमाइंडर होगा। अब निकालते जी फोर, तो कितना है, जी एक्स कितना था, तो टू एक्स क्यूब, एक्स का कितना फोर, तो फोर का क्यूब माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर और प्लस ए, ठीक है। तो फोर का क्यूब कितना, 64, 64 टू जा 128, तो ये 128 हो गया, अब फाइव फोर जा 20, तो ये 20 और प्लस ए, तो ये कितना आ जाएगा, 108 और प्लस ए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर दोनों क्या है, सेम है, सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो ये जो वैल्यू होगा और ये जो वैल्यू होगा दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कैसे, बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, तो कितना होगा, 64 ए और प्लस 45 इक्वल्स टू कितना, 108 और प्लस ए, ठीक है, ये हो गया। अब एक को एक साइड करते हैं, ये ए प्लस में इधर तो क्या होगा, माइनस में, तो 64 ए माइनस ए और ये 45 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो 108 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा मेरा, 63 ए और ये माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 और 6 63, ठीक है, सही है। अब ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, 63 बाय 63 कैंसिल आउट कितना आएगा मेरा, 1, तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू कितना है मेरा, 1, तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरा,
वन। ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे से ए का वैल्यू कितना रखेंगे, वन रखेंगे, तो 64 प्लस 45 कितना होगा मेरा, 109, 9, हाँ 109 आ रहा है, और यहाँ पे ए का वैल्यू 1 तो कितना है 109, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है मेरा 1। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस कुछ नहीं, बस ये कंसेप्ट क्या क्या बोला था, लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों को x माइनस 4 से डिवाइड मारे तो रिमाइंडर क्या था, सेम। जब x माइनस 4 को इसे डिवाइड मारेंगे तो रिमाइंडर कितना है ये, जब x माइनस 4 को डिवाइड मारेंगे जी ऑफ x में तो रिमाइंडर कितना आएगा 108 प्लस a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रिमाइंडर क्या था, सेम था, तो दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके एक अननोन था मेरा a और उससे क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आर्ट्स अग्रवाल के टेक्स्ट बुक से।